हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रशांत मिश्रा, आपका फिजिकल एजुकेशन टीचर, आपकी अपनी क्लास फिजिकल एजुकेशन क्लासेज में आपको स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट थर्ड, योगा एंड लाइफ स्टाइल। लास्ट डे हम लोगों ने डिस्कशन किया था हाइपरटेंशन पे। हाइपरटेंशन एक ब्लड प्रेशर रिलेटेड डिजीज था। उसकी कॉजेज क्या थे, सिम्टम्स क्या थे और कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, किन किन आसनों द्वारा उसे प्रिवेंट किया जा सकता है, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। आज का टॉपिक है आपका बैक पेन। बैक पेन क्या है, इसके बारे में आज हम लोग डिसीजन करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं, आप लोगों को कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक पे, जितने भी टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं आपको इस यूनिट में, आप मुझसे कंसर्न कर लीजिए और डाउट को क्लियर कर लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, बैक पेन। फर्स्ट सबसे पहले मैं आपको बता दूं बैक पेन है क्या। बैक पेन पीठ संबंधी दर्द एक बीमारी होती है, जैसे कि पीठ दर्द का संबंध जीवन शैली से कई बीमारियों से जुड़ा हुआ होता है। पीठ से महसूस होने वाला दर्द आमतौर पर हड्डी और मांसपेशियों, जोड़ों और तंत्रिका आदि से उत्पन्न होता है। जैसे डेट मीन हम लोग जो हड्डियाँ होती हैं पीठ में, उसमें जैसे कि हम लोग एक साथ बैठे रहते हैं कहीं पे, तो हम लोग पीठ में दर्द होने लगता है, उससे रिलेटेड ये बीमारी होती है। आइए डिफिनेशन देख लेते हैं। बैक पेन इज रिलेटेड टू लाइफ स्टाइल डिजीज। अभी मैंने आपको बताया है द पेन विच इज फेल्ट इन द बैक यूजली ओरिजिनेट्स फ्रॉम द बोन, मसल्स, जॉइंट और नर्वस एक्सेट्रा। अभी मैंने आपको बताया है बैक पेन एक हमारे जीवन शैली से रिलेटेड बीमारी होती है। आइए देखते हैं रीजन ऑफ बैक पेन। रीजन ऑफ बैक पेन क्या है। बैक पेन रिजल्ट्स फ्रॉम लिविंग इन पैसिव वे, सच अ स्टेइंग इन फ्रंट ऑफ कंप्यूटर एंड बैड हैबिट्स रिलेटेड टू हेल्थ, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी और लैक ऑफ एक्सरसाइज। दैट मीन पीठ का दर्द निष्क्रिय तरीके से रहने से होता है, जैसे कि हम लोग कंप्यूटर सामने काफ़ी देर तक बैठे रहते हैं, स्वास्थ्य संबंधित बुरी आदतें जो हम लोगों को होती हैं और शारीरिक गतिविधियाँ जो हमारी होती हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ जो होती हैं, उनमें जो कमी होती है, जब हम लोग व्यायाम वगैरह नहीं करते हैं, देर से लेट उठते हैं, एक कई घंटों एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं, इन सब चीज़ों से हमारे बैक पेन होता है। आइए इसको प्रोसीजर देख लेते हैं हम लोग, प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं इसको। द डिफरेंट टाइप ऑफ आसनास विच आर हेल्पफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ बैक पेन आर वक्रासना, शलभासना, भुजंगासना एंड तड़ासना। दैट मीन कहने का मतलब है विभिन्न प्रकार के आसनों के द्वारा हम पीठ दर्द के उपचार को कर सकते हैं। दैट मीन पीठ दर्द के उपचार सहायक होते हैं। कौन कौन से हैं वो, वक्रासना मैंने अभी बताया है आपको, शलभासना, भुजंगासना और तड़ासना। इन सब आसनों के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, बैक पेन को रिलीव कर सकते हैं। आइए फर्स्ट हम लोग देखते हैं। फर्स्ट इसमें आपका है वक्रासना। वक्रासना क्या है, इसके प्रोसीजर क्या है बताता हूँ। प्रोसीजर इसका है, फर्स्ट इसमें आपका दिस इज डन इन सिटिंग पोजिशन। दैट मीन बैठने की स्थिति में किया जाता है, हम लोग इस आसन को हम लोग बैठ के करते हैं। नेक्स्ट है आपका इसमें सिट एंड स्ट्रेच द लेग्स स्ट्रेट प्रॉपरली। दैट मीन हम लोग पैरों को सीधा करके बैठते हैं, इसमें पैर को सीधा करके फैलाते हैं पैरों को बैठने की पोजीशन में। नेक्स्ट है हमारा फोल्ड द राइट लेग, हील ऑफ राइट लेग शुड टच द लेग लेफ्ट लेग्स नी। दैट मीन दाहिना पैर हम लोग मुड़ते हैं, फिर दाएँ पैर की एड़ी को बाएँ पैर के घुटने को होना चाहिए। डेट में हम लोग जब लोग दाहिने को पैर को मोड़ लेते हैं तो हमारे दाएं पैर की जो हमारी एड़ी होती है वो बाएं पैर के घुटने को छूना चाहिए। नेक्स्ट क्या करते हैं, टेक द राइट हैंड टू बैक ऑफ द वेस्ट ट्विस्टिंग द ट्रंक। डेट मीन दाहिने हाथ को हम लोग कमर के पीछे की ओर ले जाते हैं और धड़ से घुमाते हैं उसको। नेक्स्ट क्या करते हैं, ब्रिंग द लेफ्ट हैंड क्लोज द राइट नीज एंड होल्ड द राइट लेग्स एंकल। डेट मीन बाएं हाथ को फिर हम क्या करते हैं, बाएं हाथ को दाएं घुटने के पास लाते हैं और दाएं पैर का टखना पकड़ते हैं। फिर क्या करते हैं लास्ट, नेक्स्ट हम लोग ट्विस्ट द हेड एंड शोल्डर टू राइट साइड एंड लॉक स्ट्रेट टू द राइट शोल्डर्स साइड। दैट मीन सिर और कंधे को दाईं ओर से मोड़ते हैं और सीधे कंधे की तरफ देखते हैं हम लोग। फिर लास्ट में क्या करते हैं हम लोग, टर्न द हेड टू द फ्रंट, रिलीज हैंड्स, होल्ड लाइन द राइट लेग्स एंकल एंड स्ट्रेच द लेग्स। दैट मीन सिर को हम लोग सामने की ओर मोड़ते हैं, दाहिने पैर के टखने को पकड़ते हुए हाथों को छोड़ते हैं और पैरों को फैला लेते हैं। इस प्रकार ये हमारी पूरी प्रक्रिया और प्रोसीजर होता है वक्रासन करने का। आइए इसके बेनिफिट देख लेते हैं हम लोग, बेनिफिट क्या है इसके। फर्स्ट बेनिफिट इसका आपका, इट रिड्यूसेस बेली फैट, यह बेली फैट को कम करता है हमारा। नेक्स्ट इसके बेनिफिट क्या है हमारा, इट कंट्रोल्स डायबिटीज एंड स्ट्रेंथन्स किडनीज। दैट मीन यह मधुमेह की डायबिटीज को कंट्रोल करता है और हमारे गुर्दे को मजबूत करता है, हमारी किडनीज को स्ट्रॉन्ग करता है। नेक्स्ट हमारा इसमें क्या होता है बेनिफिट, इट हेल्प्स टू कंट्रोल वेस्ट बैक पेन एंड क्रोनिक बैक पेन।
पेट में हमारा कमर दर्द और पुरानी पीठ, जब मतलब पुराना बैक पेन होता है, उनको कंट्रोल करता है और उसमें मदद करता है उसको कंट्रोल करने में। नेक्स्ट क्या, इट इम्प्रूव्स द फंक्शंस ऑफ बोथ स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्वस सिस्टम। दैट मीन हमारे रीढ़ की हड्डी और तंत्रिका तंत्र दोनों को, दोनों के कार्य करने में सुधार करता है या हेल्प करता है। इसके कॉन्ट्रैडिक्शन क्या है, इसके दैट मीन इसका विपरीत संकेत क्या है, मतभेद क्या है इसके। फर्स्ट है इसमें अवॉइड सफरिंग फ्रॉम अल्सर एंड इनलार्जमेंट ऑफ लीवर। दैट मीन यह अल्सर और लीवर से पीड़ित जो व्यक्ति होते हैं, जो जिनको अल्सर और इसका क्या नाम है लीवर में प्रॉब्लम होती है, उनको यह योग नहीं करना चाहिए, आसन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें आपका अवॉइड सफरिंग फ्रॉम सेवियर बैक पेन अल्सर एंड हर्निया। दैट मीन गंभीर पीठ दर्द जिसको हो और अल्सर का अल्सर प्रॉब्लम हो, गंभीर गंभीर पीठ दर्द हो और हर्निया की प्रॉब्लम जिसको, उसको भी योग यही नहीं करना चाहिए। आइए आगे देखते हैं, शलभाषणा हम लोग देख लेते हैं। शलभाषणा क्या है, शलभाषणा का प्रोसीजर आपका क्या है, पहले मैं प्रोसीजर आपको बताता हूँ। प्रोसीजर इसका आपका है, फर्स्ट इट इज़ डन इन लेइंग पोजिशन। दैट मीन झूठ बोलने की स्थिति में किया जाता है। स्टार्ट कैसे करते हैं हम लोग, ली डाउन ऑन द स्टमक, प्लेस बोथ हैंड्स अंडरनीथ द थाइज। दैट मीन इसका मतलब क्या है आपका, इसका मतलब आपका है कि पेट वजन जो हमारा पेट का वजन होता है, हम लोग अपने पेट के बल लेट जाते हैं और दोनों हाथों को जांघों के नीचे रखते हैं। दैट मीन ली डाउन ऑन द स्टमक, प्लेस बोथ हैंड्स अंडरनीथ द थाइज। दैट मीन पेट के बल लेट जाते हैं और दोनों हाथों को जांघों के नीचे रखते हैं। नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग, उसमें ब्रीथ इन, इनहेल एंड लिफ्ट द राइट लेग अप। दैट मीन सांस को अंदर ले जाते हैं दाएं और दाएं पैर को ऊपर उठाते हैं। फिर क्या करते हैं, द चिन शुड रेस्ट ऑन द ग्राउंड। दैट मीन ढोंड़ी जो हमारी चिन होती है वो जमीन पर टिका लेते हैं, जमीन पर उसको ग्राउंड पे टिका देते हैं, रेस्ट देते हैं, आराम देते हैं। फिर नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग, आफ्टर दैट एक्सहेल एंड टेक डाउन द लेग इन द इनिशियल पोजिशन। यानी उसके बाद हम लोग सांस छोड़ें और छोड़ते हैं और प्रारंभिक स्थिति में पैर को नीचे ले जाते हैं। फिर लास्ट में क्या करते हैं हम लोग, सिमिलरली डू इट विद द लेग, लेफ्ट लेग। दैट मीन इसी तरह बाएं पैर से भी करते हैं, पहले हम लोग राइट में करते हैं, हम लोग लेफ्ट में करते हैं। लास्ट में विथ बोथ लेग्स रिपीट द प्रोसेस फॉर 2 to 4 मिनट। दैट मीन दोनों पैरों की प्रक्रिया को 2 से 4 बार हम लोग दोहराते हैं इसको, जैसे हम लोग स्टार्टिंग में किया था उसको 2 से 4 बार हम लोग उसको दोहराते हैं, रिपीट करते हैं। बेनिफिट क्या है इसके शलभाषणा के, फर्स्ट इसमें है इट इज़ बेनिफिशियल इन स्पाइन प्रॉब्लम। दैट मीन हमारी रीढ़ की समस्याओं को फायदेमंद करता है। जो नेक्स्ट है आपका, इट इज़ हेल्पफुल फॉर बैक एक। दैट मीन यह पीठ दर्द में सहायक होता है हमारे। नेक्स्ट इसमें इट गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द बैक मसल्स एंड स्पाइन। दैट मीन हमारे पीठ की मांसपेशियों और रीढ़ की लचीलेपन को या फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट करते हैं, इट क्योर्स सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस एंड स्पाइनल कॉर्ड अलाइनमेंट्स। दैट मीन हमारा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और रीढ़ की हड्डियों की बीमारियों को ठीक करता है। दैट मीन कहने के मतलब जितनी भी हमारी बैक से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, बैक पेन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं, वह यह आसन उनको दूर करता है। कॉन्ट्रैडिक्शन क्या है इसका, फर्स्ट इसमें अवॉइड ड्यूरिंग हेडेक। दैट मीन सिर दर्द के दौरान इसको नहीं करना चाहिए। और नेक्स्ट इसमें आपका अवॉइड ड्यूरिंग सीरियस बैक इंजरी। दैट मीन अगर आपको गंभीर रूप से पीठ में प्रॉब्लम है तो भी आपको यह नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, अगर फिर भी आप इसको करते हैं कि इसको करने से आपकी बैक प्रॉब्लम सही हो जाएगी, तो आपको उसका लॉस हो सकता है। इसलिए अगर आपको गंभीर प्रॉब्लम है तो आपको उसको नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये था दो आसनों को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, जिनकी वजह से आपके बैक पेन दूर होता है। ठीक है, प्रिवेंट कर सकते हैं आप बैक पेन को। ये कुछ क्वेश्चन है आपके, फर्स्ट आपको व्हाट डू यू मीन बाई बैक पेन, बैक पेन क्या है, पेट दर्द क्या है, उसके रीज़न क्या है, व्हाट आर रीज़न ऑफ बैक पेन, उसके रीज़न क्या है, विच योगनाथ प्रिवेंट एंड कंट्रोल बैक पेन, उसके बैक पेन को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है किनकी योगनाशनों द्वारा। और आपका लास्ट क्वेश्चन सेम, ब्रीफली स्पेन एंड सिम्टम्स ऑफ कॉजेज और बैक पेन कॉजेज क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं, और एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ बेनिफिट्स एंड कॉन्ट्रैडिक्शन ऑफ एनी टू आसनास टू प्रिवेंट बैक पेन। ठीक है, कोई भी डाउट आप ले लीजिएगा। जितने भी आपके डिजीजेस थे आपके इस चैप्टर में योगा एंड लाइफस्टाइल में, सभी को मैंने कवर कर लिया है, सभी को मैंने बता दिया है। फिर भी आपको कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक में, अस्थमा में, डायबिटीज में, हाइपरटेंशन में, ओबेसिटी में, और लास्ट आपका बैक पेन में, किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझसे कंसल्ट कर लीजिएगा, मैं आपको सभी डाउट क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट डे मैं आपको इस यूनिट के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। एमसीक्यू मैं रेगुलर करता हूं, सभी चैप्टर्स से आपके एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन जरूर आएंगे, तो मैं लास्ट में आपको एमसीक्यू क्वेश्चन कुछ क्रिएट करके पढ़ा देता हूं कि आपको कोई भी प्रॉब्लम फ्यूचर में ना हो। ठीक है, थैंक यू।